ये अगर हम देखते हैं कि देर आर लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर एंड लैम्बर्ट्स क्वेश्चन लॉ. अभी ये लॉ हमें क्या कहते हैं? ओके, वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन द सर्फेस, स्टूडेंट्स, वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन द सर्फेस, डैट सर्फेस इल्यूमिनेटेड बाय द सम रेडिएंट एनर्जी. बट हाउ दे विल इल्यूमिनेटेड एंड वॉट एरिया दे विल कैप्चर एंड वॉट अमाउंट ऑफ यूनिट पर रेट एरिया दे विल कैप्चर, सो वी विल कैलकुलेट बाय दिस लॉ. अ वेरी सिंपल फॉर्मैट, अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आई विल एक्सप्लेन यू दिस टू लॉज. ओके, सो बी रेडी. हम आते हैं अपने पहले लॉ के ऊपर, इनवर्स स्क्वायर लॉ. अभी इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता क्या है? द स्टेटमेंट इज द इल्यूमिनेशन ऑफ अ स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस एंड द लाइट सोर्स, प्रोवाइडेड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस एट द सोर्स इज सफिशेंटली लार्ज सो दैट सोर्स कैन बी रिगार्ड एज अ पॉइंट सोर्स. ये तो हो गया स्टेटमेंट. अभी एग्जैक्टली वॉट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में देखते हैं. स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रही होंगी इनवर्स स्क्वायर लॉ की. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक जगह पे यहाँ पे है सोर्स, यहाँ पे है सोर्स. ओके, ये आपका बन गया सोर्स. और अभी ये सोर्स जो लाइट है, जो रेडिएंट एनर्जी देगा, इसमें तीन अलग अलग सरफेस दिए गए हैं. तो यहाँ पे है सरफेस एरिया A1, एरिया 2 और एरिया 3. अगर हम देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन अलग अलग एरियाज दिए गए हैं, या उसको हम सरफेस भी बोल सकते हैं या एरिया भी बोल सकते हैं. अभी लाइट सोर्स का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहता है जो भी लाइट सोर्स आएगी सोर्स से, हॉट बॉडी से, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. सबसे पहले हम ये चीज़ सीख लें कि व्हाट इज मीन बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर एक जगह से इंक्रीज होता है तो दूसरे जगह तक डिक्रीज होता है, या एक जगह से डिक्रीज होता है तो दूसरे जगह तक इंक्रीज होता है, उसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं. तो यहाँ पे सोर्स जो आपको दिख रहा है लाइट, दैट इज नथिंग बट द योर हॉट बॉडी, दैट सोर्स ऑफ लाइट वेन एवर विल गिव द रेज इट विल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेक्स्ट, टू नेक्स्ट एंड टू नेक्स्ट एरियाज. अब ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया 1 विच हैव द रेडियस ऑफ R1, R = 1, एरिया 2 विच हैव द रेडियस ऑफ R = 2 एंड एरिया 3 विच हैव द रेडियस ऑफ R = 3. ऐसे तीन एरियाज हमें मिल गए हैं विद थ्री डिफरेंट रेडियस. व्हाट इज द इंटेंसिटी? जैसे कि हमने लुमिनस फ्लक्स और लुमिनस इंटेंसिटी पढ़ी थी, इसमें हम देख सकते हैं कि E अपॉन R स्क्वायर. अभी एरिया 1 का R है 1, सो E अपॉन वन स्क्वायर. नेक्स्ट इंटेंसिटी एरिया 2 पे अगर जाते हैं तो E अपॉन R स्क्वायर, तो उसका एरिया है 2, तो उसका स्क्वायर E अपॉन 2 स्क्वायर. और उसके बाद में लास्ट थर्ड एरिया पे आते हैं हम, यहाँ पे है E अपॉन R स्क्वायर, मतलब इसका एरिया है 3 स्क्वायर. अगर हम देखिए उसको कैलकुलेट करें तो E अपॉन 1, E अपॉन 4 और E अपॉन 9, ऐसे उसका एरिया है. अभी हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर हम देखेंगे कि कैसे, जैसे कि हम एक डीजे साउंड सिस्टम की बात करते हैं, डीजे साउंड सिस्टम, अगर हमने एक साउंड सिस्टम स्टार्ट किया, आप देख सकते हो कि डीजे के पास, डीजे साउंड सिस्टम के पास अगर आप खड़े रहते हो तो उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है. गॉट द कंसेप्ट? उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन जैसे जैसे आप उस दूर जाते हो, जैसे जैसे आप उस डीजे के साउंड के दूर जाते हो, उसका जो आवाज़ है थोड़ा कम होता जाता है और वो फैलते जाता है. होता कि नहीं होता? वो डीजे का साउंड दूर जाने के बाद उसका आवाज़, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वाइब्रेशन कम होता है, बट वो एरिया ज़्यादा ग्रैब करता है. और आगे गए तो उसका एरिया और ज़्यादा ग्रैब हो जाएगा, उसका साउंड थोड़ा कम आएगा. और अगर आप बहुत दूर तक गए, डीजे के बहुत डिस्टेंस तक गए, दूसरे एरिया तक, लास्ट एरिया तक गए, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस तक गए, तो उसका आवाज़ थोड़ा कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा और एरिया ज़्यादा कैप्चर करेगा. दैट इज़ नथिंग बट द इनवर्स स्क्वायर लॉ. यहाँ पे भी हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. जो हमारा सोर्स है, यही सोर्स से अगर हम देखेंगे कि लाइट के पास की इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसके एरिया पे, एरिया वन पे इंटेंसिटी एक हाई है, एरिया 2 पे इंटेंसिटी 1/R² है, मतलब 1/4 है, उसके एरिया की इंटेंसिटी 1/9 है, मतलब वो डिक्रीज होते होते गई. ओके, तो यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है, बट वो ज़्यादा पोलैरिटी, ज़्यादा पोलर कर्व वो कैप्चर करेगा. डैट इज नथिंग बट द इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस, डैट इज एरिया. That is nothing but the inverse square law. So students, I hope you have understood the concept of inverse square law. मैं अभी इस पर theoretically proof करता हूँ how it is possible.
यहाँ पे भी ये स्लाइड्स में आप देख सकते हो इन्वर्स स्क्वायर लॉ के कैसे वो जो लाइट के रेडिएशन से, लाइट के रेडिएशन से वो कैसे एक एरिया से दूसरी एरिया तक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब वो डिक्रीज होते जाएंगे, एरिया ज़्यादा ग्रैप करेगा उसका इंटेंसिटी कम होते जाएगा, दैट इज नथिंग बट इन्वर्स स्क्वायर लॉ। एक्सप्लेनेशन तो हमने पढ़ लिया, अभी इन्वर्स स्क्वायर लॉ कुछ डेरिवेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको कुछ जूम करके दिखाना चाहता हूँ। कंसिडर, लेट अस कंसिडर सर्फेस एरिया ए वन एंड सर्फेस एरिया ए टू, मतलब एंड डिस्टेंस विद आर वन एंड आर टू। ये जो डायग्राम हमने देखी थी इसमें, जस्ट अ मिनट, ये डायग्राम पे हम देखेंगे। जैसे कि इस पर भी हम डिराइव कर रहे हैं, सोर्स इज नथिंग बट द सोर्स एस एंड एरिया ए वन विद द रेडियस ऑफ आर वन एंड एरिया ए टू विद द रेडियस ऑफ आर टू एट एन एंगल ऑफ ओमेगा, एट एन एंगल ऑफ ओमेगा, शेरिडन ओमेगा। वो एक एंगल पे हमने देखा था सॉलिड एंगल, जैसे कि हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने एक एंगल, उसका एक पोलर कर्व से एंगल हमने क्रिएट किया, डेट इज नेम्ड एज अ शेरिडन ओमेगा। ओके, तो हम आते हैं वो डेरिवेशन पे। यहाँ पे हम, तो जैसे कि हमें पता चल गया, लेटेस्ट कंसिडर सर्फेस एरिया ए वन एंड ए टू एज अ डिस्टेंस ऑफ आर वन एंड आर टू। लेटेस्ट कंसिडर, लेटेस्ट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बी द ओमेगा शेरिडन। ओके, अभी हमें यह पता करना है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल एरिया बाय एरिया वो कैसे वो डिवाइड होते जाएगा। इल्यूमिनेशन ऑफ द सर्फेस एरिया बी ए वन, दैट इज इल्यूमिनेशन ऑफ द सर्फेस एरिया बी ए वन, हम ये देख सकते हैं ए वन इक्वल टू आई ओमेगा अपॉन ए वन। वी नो डैट ए वन इक्वल टू वन अपॉन, सॉरी ए वन इक्वल टू ओमेगा आर वन स्क्वायर। हमें पता है कि एरिया ए वन क्या, एरिया ए वन क्या है, ओमेगा आर वन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो एरिया का उतना रेडियस उसने कैप्चर किया है, तो उसकी वैल्यू दे देंगे हम ए वन इक्वल टू ओमेगा आर वन स्क्वायर। आफ्टर डैट इल्यूमिनेशन द सर्फेस ए वन ई वन, डैट इज इल्यूमिनेशन इक्वल टू आई ओमेगा अपॉन ओमेगा आर वन स्क्वायर। अब ये ओमेगा आर वन स्क्वायर कैसे आया, एरिया की वैल्यू डाली, मतलब पहला अगर हमने फॉर्मूला देखा ये वाला, अगर ये हम देखते हैं तो यहाँ पे ए वन इक्वल टू आई ओमेगा अपॉन ए वन, तो ए वन पे हमने ये वैल्यू डाली है, कौन सी वैल्यू डाली हमने, ये वैल्यू डाली हमने ओमेगा आर वन स्क्वायर। यहाँ पे हम देखते हैं ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल इक्वल टू हमें हमारे पास बचा है आई अपॉन आर वन स्क्वायर, दिस वैल्यू विल रिमेन। आफ्टर डैट इन सेम कंडीशन, इन सेम कंडीशन एरिया, अगर हम सेकेंड एरिया की बात करते हैं, तो सेकेंड एरिया के इल्यूमिनेशन की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे भी E2 है, E2 पे आई ओमेगा अपॉन A2 इक्वल टू आई ओमेगा 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 कैंसिल, उसकी वैल्यू आएगी आई अपॉन आर टू स्क्वायर, दैट्स द कंसेप्ट। सो हियर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू विल गेट बोथ द लुमेंस पर यूनिट एरिया विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, थैंक यू।